हेलो क्लास 11। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पांचवा लेक्चर, ठीक है। और इसमें हम लोग जानने वाले हैं क्या चीज़, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस, ठीक ना। जो आप लोग एप्लीकेशन पढ़े डायमेंशनल एनालिसिस का, क्या पढ़े कि आप किसी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, यही ना। और फिर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्सन भी आप लोग देख चुके नहीं तो। वहीं जहाँ डायमेंशनल एनालिसिस का क्या एडवांटेज था, यहाँ कुछ क्या है उसका ड्रॉबैक्स भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है, समझ गए। तो उसी को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक। तो आप सब रेडी हैं? तो मैं हूँ सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल मेरिट यार्ड, जहाँ हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से, और उसे फाइनली सेव यहाँ करते हैं, ठीक है। तो सेव करने के लिए तैयार हैं, चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। देखिए क्या है कि द मेथड ऑफ डायमेंशंस हैज द फॉलोइंग लिमिटेशंस, मतलब कि डायमेंशंस के कुछ क्या है लिमिटेशंस है वो नीचे दिए गए हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला क्या है, बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट क्या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मतलब डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट का वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं, जैसे देखिए क्या है, अगर आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, याद कीजिए आप लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किए थे, आप पहले पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख कर आएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। उन सारे लेक्चर्स का जो लिंक है वो नीचे क्या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और देख कर आए, ठीक है। देखिए इधर, तो यहाँ पर आ रहा था क्या के एम और क्या वी स्क्वायर। यहाँ के वैल्यू जो हम लोग लिखे थे क्या हाफ 1/2, ये डायमेंशन नहीं बताया था, समझ गया ना। ये एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू क्या थी, बार बार रीडिंग लेकर कैलकुलेट करके तब यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या ये डायमेंशन बताता नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है कि बाय दिस मेथड वी कैन नॉट डेराइव द इक्वेशन, इस मेथड के द्वारा हम उन इक्वेशंस को डेराइव नहीं कर सकते, उसको डेराइव नहीं कर सकते हैं कंटेनिंग जो रखता है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक, समझ में आ रहा बात क्या मतलब। देखो ट्रिगो फंक्शन तो पढ़ा था ना, अरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, समझ गया ना, साइन थीटा कॉस थीटा, किसी भी इक्वेशन में अगर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा मतलब ट्रिगो फंक्शन आ जाते हैं, या एक्सपोनेंशियल, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में, ठीक ना। ये क्या e के पावर x इस तरह का, या लॉगरिथमिक log x, ये नाम सुने होंगे इस तरह का। अगर किसी इक्वेशन में ये सारे टर्म्स जुड़ते हैं तो उस टर्म वाले इक्वेशन का डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से पॉसिबल नहीं है, समझ गया, क्लियर। नेक्स्ट है इट फेल्स, ये फेल हो जाता है टू डेराइव द एग्जैक्ट रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन डेराइव करने में, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, मतलब क्या है कि जब कोई क्वांटिटी किसी दो क्वांटिटीज के क्या सम और डिफरेंस के रूप में हो, जैसे ऐसे मान लेते हैं कि ए इक्वल दिया हुआ है बी प्लस सी इसके रूप में है, या फिर ए इक्वल क्या चाहिए बी माइनस सी, जब आप इससे देखेंगे तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा और ये भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा। अब बताओ कि प्लस और ये माइनस, नहीं ये प्लस और माइनस जो है ये भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा और ये भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा, क्योंकि उसमें साइन का जगह नहीं था, पहले आप निकाले हैं, नहीं। तो यहाँ पर बताइए ना, अब इन इक्वेशंस में प्लस होगा कि माइनस होगा, ये रिलेशन में आप इस डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप निकाल नहीं सकते, बता नहीं सकते, समझ गए। तो ये फेल हो जाता है कब, ऐसे इक्वेशन को डेराइव करने में, समझ गया ना, चलो क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि डज नॉट टेल वेदर द क्वांटिटी इज वेक्टर और स्केलर, मतलब ये कोई क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है ये नहीं बताता है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि जो आप डायमेंशन का एप्लीकेशंस पढ़े हैं वहीं पर उसका लिमिटेशंस भी है, वही हम लोग इस लेक्चर में देख रहे हैं। और देख लीजिए इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं इसके, इतने सारे क्या है लिमिटेशंस हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है इट फेल्स टू डेराइव द इक्वेशन, ये उस इक्वेशन को भी डेराइव करने में फेल हो जाता है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री फैक्टर्स, नहीं अभी तक जितना मतलब डेराइव किए हैं मास लेंथ टाइम, ये तीन पर डिपेंडेंसी था और दोनों तरफ कंपैरिजन करके निकाले हैं आप, रिलेशन जब निकालते थे पहले वाले लेक्चर्स में है, ठीक। तो अगर तीन से ज़्यादा क्वांटिटीज अगर आ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, समझ गया ना, मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं तो वैसे इक्वेशन का डेरिवेशन इस डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, जैसे जिसका फॉर्मूला चाहते हैं, नहीं जैसे काइनेटिक एनर्जी का,
तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये पता करते हैं कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग को याद है कि मास पर डिपेंड कर रहा था, पावर ए पर। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी पर, पावर बी पर, नहीं इस तरह से। तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब इस तरह का डिपेंडेंसी आपको पता नहीं चल पाता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, समझ गया ना। और ये तब और मुश्किल हो जाता है जब इसमें, समझ गया ना, डायमेंशनल, ठीक ना, यहां पर हटा दे, ठीक है। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स लाइक जी एंड एच आ इन्वॉल्व हो जाता है तब, जब डायमेंशनल कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे यहां पर तो जो आता था वो क्या आता था, के डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, लेकिन किसी इक्वेशन में अगर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट आ गए, मतलब वैसे कॉन्स्टेंट जिनके पास डायमेंशन है, समझ गया ना, तब क्या होगा, उस केस में डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, समझ में आया। तो ये सब क्या था, लिमिटेशंस था। आप एप्लीकेशन देख लिए, लिमिटेशन देख लिए डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा निश्चित तौर पर। अगर समझ में आया है, थोड़ा भी फायदा हुआ, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर देंगे। वो हम लोग लेके आती है, एनर्जी का काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो आप प्रण बैच में है, ये बात आपको पता है, नहीं, और इसमें बहुत कुछ आप लोग के लिए मिलने वाला है, धीरे धीरे सब आएगा, बस आप बने रहेंगे, ठीक। और अंत में वही बात, आप सब भूलेंगे नहीं, आप सब क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।